वैसे मेरे बारे में थोड़ा होमवर्क कर लो कि मैंने हमेशा नए टैलेंट को अपने साथ मौका दिया है और मैं हमेशा से नए एक्टरों के साथ ही मोस्टली मैंने काम किया है। ये बात सच है कि मैं एल्बम्स नहीं करती हूँ, जब मुझे गाना पसंद आता है तब मैं वो गाना करती हूँ। डेफिनेटली ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, दोनों गाने बहुत पसंद आए। सुमित को आई थिंक याद होगा, जब सुमित ने मुझे एक गाने के लिए कहा तो मैंने सबसे पहले लिखा सॉन्ग भेजो। हुआ क्या कि पहले मैं इनके पास गया एक गाना के लिए कि मुझे आपके साथ एक गाना करना है, तो एक गाना का अब देख रहे हैं सेटअप कितना खर्चा है, तो मैंने इनको बोला कि एक गाना करना संभव नहीं है, बहुत कॉस्टली हो जाएगा क्योंकि मेरा अपना चैनल का गाना था। तो फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा एक और गाना है वो भी मेरा कर दीजिए, यही है सच। यस एक्चुअली, और जब मैंने ये सेकेंड वाला जो सॉन्ग सुना बलम्बा, तो गाना बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एल्बम्स, आप लोग जानते हैं कि एल्बम्स मेरे नहीं आते हैं, मैं एल्बम्स नहीं करती बहुत ज़्यादा, लेकिन जब मैंने दोनों गाने सुने सुमित के, मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसे गानों को सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे गाने आने चाहिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, सो इसलिए किया। और नो डाउट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है लोगों का, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगा गाना। सुमित बहुत टैलेंटेड हैं और सुमित ने बहुत सारे गाने लिखे हैं मेरे पहले भी, तो जब सुमित ने कहा कि रानी जी गाना करना है तो मैंने कहा गाना भेजो पहले। सो गाना जब मैंने सुना मैंने कहा वाओ, तो मैंने सुमित से पूछा कि तुम खुद एक्ट करोगे, और तो उसने कहा यस। फिर उसने अपने ट्रेलर्स भेजे, मुझे पता ही नहीं था कि फिल्म एज ए हीरो भी आ चुका है सुमित, तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। और नो डाउट मेरे साथ जब हम शूट कर रहे थे सुमित कहीं से भी नर्वस नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे एक्टरों को मेरे सामने नर्वस देखा है, शॉट नहीं दे पाते हैं, डर जाते हैं, बट नहीं, सुमित ने बहुत अच्छे से काम किया और नो डाउट बहुत मेरा बहुत ख्याल रखा। बहुत अच्छा अनुभव था खतरों के खिलाड़ी, तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को वो एक्सपीरियंस लेना चाहिए क्योंकि आप क्या कहते हैं वो मौत को छू के आते हैं, मतलब ऐसा ऐसी वाली बात है खतरों के खिलाड़ी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने अपने डर पर जीत हासिल की वहाँ। मुझे शौक से बहुत डर लगता है और मेरा पहला स्टंट ही शौक का था, तो अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस। वेब सीरीज़ का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, थोड़ा डिफरेंट वेब सीरीज़ की थी, एरोटिक सीरीज़ की थी मैंने, सो वो भी एक्सपीरियंस डिफरेंट था, तो अच्छा था ऑलमोस्ट। रानी जी के बारे में, खतरों के खिलाड़ी तो ये जब से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आई है तब से खतरों के खिलाड़ी कर ही रही है ये एक्शन फिल्म एक्चुअली। मतलब रानी जी के बारे में तो मैंने कहा, रानी एक्चुअली एजलेस ब्यूटी है, ये अगले 20 सालों तक भी ये ऐसी रहेगी। ओह माय गॉड, एक फिल्म आई थी अंग्रेजी की फेडोरा, अगर आप लोगों ने देखी है, उसमें फेडोरा देख लीजिए, मुझे अभी रानी को देखकर लग रहा है कि फेडोरा एक्चुअली भोजपुरी में बनानी चाहिए। सीरियसली सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ रानी, आप बहुत, आपका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छे अच्छों को नर्वस कर देगा, आप इतनी खूबसूरत लगती है स्क्रीन पे, आपके क्लोजअप बहुत कमाल के हैं, आपको अपने एंगल्स पता हैं और जो भी कैमरामैन आपको शूट करता है उसे भी शायद पता है, और आप बहुत कमाल लगती है। रोहित जी, जब मैंने शूट शुरू की थी तो रोहित जी से उतनी बातचीत नहीं थी, लेकिन जब मैंने पहला स्टंट किया अपना शौक का, तो रोहित जी ने मुझे पूछा यू आर एक्शन हीरोइन, मैंने कहा यस, बोला यही क्या कहते हैं यही क्या कहते हैं उसको निशानी होती है एक्शन करने वालों की, क्योंकि शौक, मैं जब शौक का कर रही थी ना
तो मैं चिल्लाई नहीं, मैं रोई नहीं। तो उन्होंने ये मेरी तारीफ की और नो डाउट वो बहुत ही पैम्पर करते हैं सारे लोगों को और मुझे उन्होंने बहुत इज्जत। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए मैं ना हिंदी मेरे ख्याल से हिंदी की सबसे बड़ी फिल्म मैंने की है, सलमान के साथ मैंने काम किया है। मैं भोजपुरी भी करता हूँ, मैं तेलुगु भी करता हूँ, तमिल भी की है। भोजपुरी को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता रहा होगा पहले। पहले लोग शर्माते थे कि भाई मैं भोजपुरी कर रहा हूँ बोलने में हिंदी इंडस्ट्री में, बट अभी हिंदी इंडस्ट्री चाहे वो वेब सीरीज हो चाहे फिल्म हो, वो भोजपुरी एक्टर्स को ढूंढ के अपने वेब सीरीज में लेना लेके आते, राइट राइट लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत प्यार मिलता है भोजपुरी के लोगों को। ये रीज़न है कि मैं भोजपुरी फिल्में ज़्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मतलब मेरे साथ और भी मेरे, क्योंकि मेरी एक्टर फैटर्निटी है, वो जब गाड़ी से उतरते हैं, मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो वहाँ पर जो लोग होते हैं सिक्योरिटी में और इसमें और जो सारे सारे मेरे पास भाग के आके सबसे पहले वो मेरे से फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो मुझे मेरे एक्टर हमारी ऑडियंस हर जगह ये टीवी सीरियल देखते हैं, बोला नहीं यार ये भोजपुरी फिल्में देखते हैं, तो बहुत प्यार देते हैं। तो और उसकी इज्जत भी बहुत बड़ी है, भोजपुरी सिनेमा की इज्जत बड़ी है, थैंक्स टू ऑल द एक्टर्स जिन्होंने भोजपुरी को अभी तक थामे रखा है और कंटिन्यूस थामे रहे। भोजपुरी की इज्जत बहुत बड़ी है, चाहे रोहित शेट्टी हो चाहे कोई भी हो। रोहित सर से मैंने एक चीज़ कही थी कि सर मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है, उन्होंने कहा यस। मैंने कहा मैं एक फिल्म कर रही हूँ जिसका नाम है लेडी सिंघम, कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा यस, तो बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड। यस यस, नहीं एक्चुअली फिटनेस से तो मेरा पर्सनल अपना लगाव है। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने हेल्थ का ध्यान देना चाहिए और मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करती हूँ उसके बाद मैं 2 महीने की छुट्टी खुद को देती हूँ रिचार्ज करने, जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ा वर्कआउट करूँ और थोड़ी एक नई एनर्जी के साथ शुरुआत करूँ। तो लेकिन मैं अपने टारगेट पर आज तक नहीं पहुँच पाई क्योंकि काम का लोड ज़्यादा है, काम का लोड ज़्यादा है, लेकिन मैं फिटनेस को बहुत प्यार करती हूँ और मैं सबसे कहूँगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हाँ जी हाँ जी, हाँ मैंने ये नाम बार बार सुना है और आई थिंक मैंने अभी गाना देख लिया है। मैं पहले भी सबसे मिली थी तो मैंने पूछा था हुई शी, बट अभी गाना देखा मैंने टॉनिक अख्तर के साथ, तो वो तो ऑलरेडी फेमस थी, पहले से फेमस थी वो, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं। और रही बात बिग बॉस की, अनफॉर्चुनेटली एक टाइम ऐसा आया था कि मैं जाने वाली थी लेकिन मैं नहीं गई और मुझे लगता है कि बिग बॉस मेरे लिए नहीं है। ऑलमोस्ट सारे रियलिटी शो कर चुकी हूँ, डांसिंग वांसिंग एवरीथिंग, सिर्फ बिग बॉस रह गया, लेकिन मुझे लगता है बिग बॉस मेरे लिए नहीं है, सो नॉट इंटरेस्टेड, मैं देखती भी नहीं। अब अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा एक टीवी शो शुरू हो रहा है और साथ ही साथ फिल्में भी शुरू हो रही हैं, सो है बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। भाई मैं तो टीवी करता रहता हूँ, अभी मेरा एक शो ख़त्म हुआ जो दंगल चैनल पे चल रहा था और बहुत जल्दी हम लोग फिल्म करेंगे साथ में। अब बिल्कुल बिल्कुल अगले महीने मेरा और एक शो स्टार भारत पे शुरू हो रहा है, फिर एक सोनी पे शुरू हो रहा है। तो क्योंकि मैं टीवी मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ, मैं टीवी छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं 15-18 दिन टीवी करता हूँ और क्योंकि मेरी ऑडियंस टीवी से मुझे जुड़ा हुआ महसूस करती है, तो मैं अगले महीने मेरा स्टार भारत पे नया शो आ रहा है। भोजपुरी फिल्म मैंने खेसारी के साथ एक की है, 2-1 महीने में वो रिलीज़ हो जाएगी। मेरे ख्याल से भोजपुरी की बहुत बड़ी फिल्म है, मैं जब वो करने गया या मैंने सुना कि काफ़ी बिग बजट फिल्म है, मुझे वो एक्चुअली रंग दे बसंती मेरे ख्याल से एसआर के, मेरे ख्याल से मैं सिर्फ जब इतना बोलता हूँ कि भोजपुरी की बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत खेसारी है, तो सामने वाले ही बोल देते हैं रंग दे बसंती, क्योंकि मैं ऐसा मैंने 4-5 किया नहीं आपकी तरफ नहीं, मैं जियो के हेड भोजपुरी के हेड से मिलने गया, मैंने बोला कि मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बोला भाई मैं अभी शूट करके आ रहा हूँ ऐसा ऐसा ऐसा, उन्होंने बोला रंग दे बसंती, मैं बोला हाँ, बोला भाई इतना पहले से पब्लिसिटी की हुई है रंग दे बसंती की, बोलता नहीं सर वो भोजपुरी में थोड़ा सा लोगों को इस बारे में जानकारी है, का लिए गाना भी गाया, क्योंकि मैंने ना खेसारी का एंथू देखा वहाँ पर, खेसारी कह रहा था कि बस वो
उसको पैन इंडिया फिल्म में करनी है, और ये मेरे ख्याल से रंग दे बसंती ये पहली फिल्म होगी भोजपुरी की जो पैन इंडिया होगी। बहुत ही बड़े लेवल पे बन रही है, बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन, बहुत अच्छा। मेरी भी आ रही है एक पैन इंडिया फिल्म। आपकी हर फिल्म पैन इंडिया है। मेरी मेकिंग एक आ रही है। आपकी हर फिल्म पैन इंडिया, आपका गाना भी पैन इंडिया है। भाई आप मुझे जगह खाली करना पड़ेगा आपको यही, क्योंकि एक्चुअली जो हीरो होते हैं ना, और सुमित जी क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज की फिल्म के बारे में? मैं आज की फिल्म से बहुत खुश हूँ कि आज मेरा गाना आया है उनके साथ। इससे पहले भी 31 तारीख को हम लोग का गाना आया था, उस दिन ही बहुत ज़्यादा खुश था। आज सेकेंड खुशी का मौका आया है तो मुझे लगा कि इसमें कुछ पार्टी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अपने तरफ से कोशिश किया है, बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो बस प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। बाकी मैडम ने मेरे साथ काम किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे सौभाग्य की बात है। अरे नहीं, आप इतना अच्छा काम करोगे तो कैसे कोई मना करेगा? मैं ही नहीं, कोई भी एक्ट्रेस मना नहीं करेगी आई थिंक। क्या सीखा कुछ कुछ चीज़ तो सीखने को मिल ही जाता है, वो समझ में नहीं आता। क्या ऐसा क्या सीखा जो समझ में नहीं आया? हर दिन सीखते रहते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता है यहाँ से हमको ये। ऐसा क्या सीखा जो समझ में नहीं आया? सीरियसली व्हाट कैन आई से नाउ? हाँ हो जाए। अरे याद तारू जात तारू ढेर में मी याद तारू, अपने बलम के कमाई जब खात तारू, काहे पछतात तारू, झूठे रे जी याद तारू, पूछे ले तो पूछा ला पछ काहे छिरी याद तारू, लागत कि पला रहा उलार करबू, आज न त काल खूब मार करबू, पियाव के प्यार से बुला ले जान, कबल जवानी अब बेकार करबू, बलम वा चल गई ले परे। जैसे ये गाना जब सुने थे, जब हम लोग बनाए थे, तभी हमको लगा था कि इसमें नॉर्मल लुक रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो दोनों लोग का लुक एकदम अलग अलग रखे। तो जो वीडियो डायरेक्टर हैं लक्की विश्वकर्मा जी, वो तो आज यहाँ नहीं है क्योंकि वो दिल्ली में शूटिंग कर रहे हैं। ये एक्चुअली हमारा लुक डिसाइड किया जो हम जिन्होंने गाना कोरियोग्राफ किया, जब उन्होंने मुझे कहा कि आप इस गाने में वाइट साड़ी पहनेंगी, और मतलब आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा कि गाने में थोड़ा सा लुक बंगाली स्टाइल का थोड़ा सा लग रहा है, तो ये सब कुछ डिसाइड आई थी लकी ने किया था। और जब मैंने सेट पे इनको देखा, ये तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थे, बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ सेट पे थे। मेरा तो एक ही ड्रेस है गाने में, इनके तो 3-4 चेंज थे और काफ़ी तैयारी के साथ थे। सो इनका लुक बहुत अच्छा था, सेट पे दिख रहा था बहुत अच्छा। कुछ अलग वो उन्होंने ही डिसीजन लिया था, ऐसे कट मारेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे बाल आगे करेंगे, ये सब तो उन्होंने अपना दिमाग दिया और हम सिर्फ सुने उनका बस। और कुछ पूछना है? शूटिंग मुंबई में ही किया, मुंबई में ही किया। अंदर वेस्ट ऑलमोस्ट आप लोगों को गाना अच्छा लगा ना? देखिए गाना जैसे भोजपुरी के सॉन्ग्स, भोजपुरी म्यूज़िक पे हमेशा बहुत ज़्यादा लांछन लगते रहते हैं, लोग अक्सर हमसे पूछते रहते हैं अश्लीलता को लेके। बट अभी के जो गाने आ रहे हैं खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में, और आपने जैसे दोनों गाने देखे, ये दोनों गाने आप पूरे परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं, और है ना? तो मतलब हम तो पहले से लिरिक्स लिखते हैं, तो पहले से ही हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा वर्ड ना लिखें जो फैमिली के सामने लोग ना सुने। तो मेरे तरफ से, अपने तरफ से इतना कोशिश रहता है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं। मैं पहले गीतकार ही था, तो उस समय से ही धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते होते जब इनके साथ मुझे गाना करने का मौका आया, चीज़ें मैं ये मेरा ये अपना ऑफिशियल चैनल है ये, तो मैं सोचा कि मैं इनके साथ गाना करना है, तो फिर इनके साथ कैसा गाना करें ऐसा सोचने में। और नो डाउट सुमित, मुझे लगता है कि बहुत मेहनत लगी मेरे साथ गाना करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा सुमित की जो इच्छा थी वो देख कर ही मैंने कहा कि लेट्स डू, वरना एल्बम्स, लेकिन आगे भी जो करोगे तो मैं करूँगी पक्का एल्बम तुम्हारे साथ। मैं आगे अपने ही कंपनी से मैं अपना मूवी आज ही मैं अनाउंस करने वाला हूँ, दो फिल्म, मेरे चाचू की शादी 2 और देवर भाभी। ओ तो मैं
मैं अपने तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा भाभी के लिए ना, लगा था मुझे दोनों में से कोई एक फिल्म आप हाँ कर दे, दोनों में मतलब मैं अरे दोनों करेंगे दोनों करेंगे क्यों नहीं करेंगे। मैं अपने तरफ से जैसे ये आपने देखा, हाँ आप लोगों ने भी देखा जैसा हमारे प्रोडक्शन से जो चीज़ें बना यूनिक लगा, मैं फिल्म में भी कोशिश करूंगा कि एकदम यूनिक लगे। यस यस एक्चुअली और डेफिनेटली करेंगे। बात करें बिग बॉस के बारे में, बात कर रहे थे आप, वो कर दी सर चले ओह गॉड एडिट कर देना ये सब नल्ला है उसको बिग बॉस नहीं आता। मैंने राखी और सरलिन चोपड़ा का ड्रामा चल रहा है, वो कितना जायज है या देखिए पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आई नो राखी, आप लोग भी राखी को जानते हैं अच्छे से, लेकिन मैं मैंने सारे वीडियोस देखे हैं आजकल, आई थिंक वही बज है यूट्यूब पे हर जगह पे राखी सावंत एंड आदिल दुरानी। मैं लेकिन यही ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, आप लोग कोर्ट में सुलझाइए, क्योंकि न्याय तो वही मिलेगा, कोर्ट में ही मिलेगा न्याय। सो बाकी राखी हमेशा से एंटरटेनिंग रही है और मैं कहूँगी राखी कोर्ट पहुँचो और कोर्ट में सुलट आउट करो, अभी तो फातिमा भी हो गई है राखी। सो मैं कहूँगी अल्लाह उन्हें हिदायत दें राखी को, ताकि वो इन घर के मामलात को कोर्ट में जाके सुलझाएं और हमें जिस तरह से एंटरटेन करती है वैसे करते रहे। देखिए एवरीबडी नोज कि आई बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली, तो हज एक बहुत बड़ी बात है हर मुसलमान के लिए है, और मुझे लगता है कि अगर राखी को यह मौका मिला तो नो डाउट ब्लेस्ड है वो, वहाँ जाने का मौका सबको नहीं मिलता है, वहाँ जाने के कुछ रूल्स हैं, कुछ हाय वहाँ जाने के कुछ नियम कानून होते हैं जो राखी ने फॉलो किए, आने के बाद फॉलो कितना करती है वो देखने लायक है। नाम नहीं है। कैसे वहाँ पे चले गए? तो अल्लाह जाने, शर्लिन भी तो साथ में ही है अभी राखी सावंत के। अब आई डोंट नो इसको ड्रामा नाटक बोल के एड्रेस करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आई थिंक आप भी कंफ्यूज्ड हैं, सेम मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। बट आई थिंक आदिल दुरानी अकेले क्यों है भाई, वो हिंदुस्तानी हैं और कानून उनके साथ हैं, जिस तरह कानून राखी के साथ है उस तरह कानून उनके भी साथ हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये कभी कभी ऐसा फील होता है देखकर कि ये लोग इन लोगों ने कोर्ट मीडिया के सामने ही खोल लिया है और यहीं पे हाँ ये कि मीडिया ही डिसाइड करेगी या ऑडियंस डिसाइड करेगी, बट आई थिंक दोनों को फैमिली कोर्ट पहुँचना चाहिए और वहाँ पर इस चीज़ पर कार्रवाई करवानी चाहिए। एंड आदिल एंड राखी दोनों के साथ कानून है तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, जो सच होगा वो जीतेगा और जो झूठा होगा वो हारेगा। जी हाँ कल्याण जी हाँ, आई थिंक आपने जो कहा कि बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी मुझे पता नहीं है कि किसके साथ क्या चीटिंग हुई है, बट आई नो राखी सावंत अब हु नोज द रियलिटी ना, या कैसे हो सकता है, मैंने तो आज तक कोई अवार्ड नहीं खरीदा है, मेरे को सब फिल्में करके मिली हैं अवार्ड्स, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट हाँ मैं कहूँगी कि राखी की पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो और कानून पर भरोसा रखो, कानून आपको न्याय जरूर दिलाएगा। फातिमा को आपने ज्यादा थी क्या सलाह देंगे आप? फातिमा वो मैं सीधा राखी को मैसेज करूंगी फातिमा के नाम से। थैंक यू। मैं यही कहूंगी अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उन्होंने जो हिजाब को अपनाया है उस हिजाब की इज्जत रखें और हिजाब को कैरी करें। क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सी सवाल सब लगा हाँ। पूछिए ना संजय भैया, संजय भैया
उधर जो जो लोग हैं ना उन लोगों का सोलो सोलो बाइक ले लीजिए। चुप रहो, सुना ही नहीं दे रहा, इतना हल्ला हो रहा है ना, क्वेश्चन सुन नहीं पा रहे। गाने का अनुभव क्या रहा? बलमुआ चल गई ले परदेश, इतना हल्ला हो रहा है ना, सुन नहीं पा रही हूँ। यहाँ रखा है, उस तरफ से आप पूछिए, सुनिए ना, आप उस तरफ से पूछिए। नहीं नहीं ठीक है, रुको, तुम्हारा काम आसान करता हूं। गाने का अनुभव पूछ रहे हैं। अच्छा जी मैम, प्रियंका आज गाना रिलीज हुआ है सुमित जी, जिसमें रानी जी परफॉर्म किया। अच्छा, शायद नहीं सही, मैंने शायद गाया है उसके बारे में। जैसा कि संजय जी ने पूछा कि शायद मैंने इस गाने में गाया है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने इस गाने में गाया ही है और इस गाने को निभाने की पूरी कोशिश की है। और इस तरह के जो गाने हैं वो एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा जॉनर है, मुझे इस तरह के गाने बहुत बाई हार्टली बहुत पसंद है। मैं पर्सनल लेवल पे भी ऐसे शुरू से ऐसा ही काम करते आई हूँ, पर्सनल लेवल पे भी प्रियंका सिंह ऑफिशियल मेरा चैनल है, उसके माध्यम से या और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसे गाने और भी सभी लोग बना रहे हैं इंडस्ट्री में। सुमित जी ने ये गाना जब मेरे पास लेकर आए तो उन्होंने बोला कि ये गाना आपसे ही करना है। मैंने बोला कि ऐसा मतलब क्यों, तो बोले नहीं ये आपको ही गाना है, चाहे वो आप 10 दिन में गाएं, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी आपके पास समय हो हम रुकने को तैयार हैं। मेरी बहुत ही तबीयत ख़राब थी, मतलब बुखार सर्दी जुकाम शायद याद होगा आपको, और इनकी शूटिंग थी तो बहुत दिनों ने वेट किया 10 डेज, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने बोला कि ठीक है स्टूडियो में एक वन टेक एक शूटिंग के लिए मैं गा देती हूँ। बट और मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि वो जो सॉन्ग आज रिलीज़ है वो मेरा वन टेक गाया हुआ, वो डमी जो गाते हैं ना शूट के लिए वही रिलीज हुआ है। क्या बात है, ओ वन टेक गाया हुआ है। पूछिए सुमित जी पास में है, जरा एक मुखड़ा हो जाए गाने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतनी आवाज फिर से लगी हुई है कि एक लाइन, एक लाइन बलमुआ चल गई ले परदेश। जी मैम, बलमुआ चल गई ले परदेश, बलमुआ चल गई ले परदेश, गब न करा के न रहा तर नियरा, नर 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 नरेश हो, बलमुआ चल गई ले परदेश। अभी भी तबीयत सही नहीं है मेरी। कोई बात नहीं, बेबी बहुत अच्छा गाया। अरे तो प्रियंका मेरी फेवरेट सिंगर है और अभी हाल ही में मेरे हाथों से अवार्ड भी मिला है प्रियंका को, और नो डाउट शी इज़ वेरी टैलेंटेड। और इनके मैं सारे गाने सुनती हूँ प्रियंका के, और जब ये गाना मेरे पास आया और मैंने जब मैंने पूछा कि प्रियंका है क्या सिंगर ये, तो बोले हाँ, मैंने कहा यार, तो नो डाउट शी इज़ वेरी टैलेंटेड। कहना यही चाहेंगे कि इस गाना के लिए, ये गाना इनके एकदम दिल के करीब है, और ये बार बार हमको फ़ोन करके जब इन्होंने स्क्रेच जब गाया तो बोले कि गाना ऐसे रिलीज मत करिएगा, मैं दोबारा गाऊंगी, दोबारा गाऊंगी, दोबारा गाऊंगी। फिर हम लोगों ने विचार किया कि ये गाना इनको दोबारा गाना ज़रूरत है क्या, तो फिर हम लोगों ने देखा कि एक दो लाइन ही तो यहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने अपने हिसाब से पंच करके 2-4 मिनट टाइम मिला, तो फिर हम लोगों ने नहीं ऐसा हुआ कि उस दिन फर्स्ट टाइम में जो हम लोग का रिकॉर्ड हुआ वो इतना बेहतरीन हुआ कि नेक्स्ट टाइम में वो कलर हम लोग को जो चाहिए था वो फर्स्ट जो हो गया वो हो गया था। ऐसा गाना सुन के बिल्कुल लगता नहीं है कि 5 मिनट तबीयत खराब थी और 5-10 मिनट एनर्जी लेवल का। ये मेकअप तो किया है या तुम चश्मा निकल के आंखें दिखा दो ना एक बार, ये देखो ये है कि नहीं। हाँ आंखों की चर्चा हो रही है और आंखों पे पर्दे लगा रखे हैं, क्या बात है। वो लक्की विश्वकर्मा जी जो वीडियो डायरेक्टर हैं उनका ये था कि ऐसे आंख पे रखेंगे, बाल को ऐसे रखेंगे, वो जो डिजाइन था मेरा मेरा ड्रेस वीडियो कॉल पे, नहीं नहीं ये ड्रेस नहीं चाहिए, सब कुछ लकी, ये ड्रेस सब लकी सब, ने किया। हाँ इनका ड्रेस को डराने के लिए ऐसा कुछ प्लान था क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, दोनों लोग का साथ में था ही नहीं, साथ में था ही नहीं, हम लोगों का शूट अलग 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 शूट हुआ, अलग अलग शूट था। मैं एक बात बताना चाहती हूँ एक और, कि मुझे अचानक रानी जी को मैंने यहाँ देखा तो याद आया कि ये जो सॉन्ग था तो पहले इन्होंने किसी और को सोचा था, सुमित जी ने, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि सबकी अपनी एक जगह है। हाँ
बट मैंने मतलब मेरे मन में ना एक मतलब बहुत अंदर से मुझे कि यार ये गाना अगर वो एक्ट मतलब करेंगी तो वो बात नहीं बनेगी, लेकिन मैं इनसे कह नहीं पा रही थी क्योंकि इनका प्रोजेक्ट है, इनका एक हर किसी का एक बजट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं तो उसमें भी एक कहानी है। फिर मैंने देखा ना कि ये आपने किया है तो मैं बोली यार दिखाओ मतलब, तो मैं स्टूडियो में जब आई दोबारा तो आर्यन जी ने बोला प्रियंका जी ये देखिए हो गया है, सुमित जी भी थे लिपसिंग वगैरह देख रहे थे यार कहीं आउट तो नहीं हो रहा है, मीन जो मतलब मेरा जैसे वन टेक गाया था वापस से गाने आई थी मैं, तो मैं देखी तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं बोली अरे यार मतलब ये बहुत अच्छा मतलब आपने क्या कमाल का उसमें एक्ट किया है और मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर वो गाना कोई और कर सकता। थैंक यू मतलब अब जो जो इन्होंने बोला कि दूसरे हुआ क्या कि पहले मैं इनके पास गया एक गाना के लिए कि मुझे आपके साथ एक गाना करना है, तो एक गाना का अब देख रहे हैं सेटअप कितना खर्चा है, तो मैंने इनको बोला कि एक गाना करना संभव नहीं है, बहुत कॉस्टली हो जाएगा क्योंकि मेरा अपना अपना चैनल का गाना था, तो फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा एक और गाना है वो भी मेरा कर दीजिए, यही है सच। यस एक्चुअली और जब मैंने ये सेकेंड वाला जो सॉन्ग सुना बलम्बा तो मैंने इसके चलते वो वाला भी गाना किया एक्चुअली लेकिन दोनों ही गाने बहुत अच्छे अपने हाँ मैंने लिखा म्यूजिक इन्होंने किया है, म्यूजिक आर्यन जी ने किया है, कमाल के बेहतर हो गया युवा म्यूजिक डायरेक्टर हैं बिल्कुल। थैंक यू गाइस। पहले प्रणाम कर रहा हूँ, तो हम अपना कोशिश करते रहते हैं बाकी पब्लिक प्यार देती है तो फिर मैं अगला स्टेप कर रहा, फिर पब्लिक एक प्यार देती है फिर अगला स्टेप कर रहा, बस ऐसे कोशिश करते रहते हैं। सर स्टेप कैसे रानी रानी जी मीडिया को सवाल पूछने का जरूर सा मौका मिलेगा, फिलहाल यहाँ पे अभी थोड़ा सा चल रहा है वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, ये बताया कि फिल्मों में तो आप हैं एल्बम में बहुत कम दिखते हैं स्पेशली इस गाने के लिए और सुमित के साथ आपने हाँ कर दी, क्योंकि नॉर्मली नए लड़के के साथ सुपरस्टार एक्ट्रेसेस काम नहीं करती, तो म्यूजिक पसंद आया सुमित पसंद आया या फिर जो आपको अमाउंट मिला है वो? वैसे मेरे बारे में थोड़ा होमवर्क कर लो कि मैंने हमेशा नए टैलेंट को अपने साथ मौका दिया है और मैं हमेशा से नए एक्टरों के साथ ही मोस्टली मैंने काम किया है, ये बात सच है कि मैं एल्बम्स नहीं करती हूँ, जब मुझे गाना पसंद आता है तब मैं वो गाना करती हूँ, डेफिनेटली ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, दोनों गाने बहुत पसंद आए। सुमित को आई थिंक याद होगा जब सुमित ने मुझे गाने के लिए कहा तो मैंने सबसे पहले लिखा सॉन्ग भेजो तो डेफिनेटली सॉन्ग बहुत सॉन्ग अच्छा लगा ना आप लोगों को, तो बस ऐसा गाना वो कैसे रिजेक्ट कर सकता है बिल्कुल।